दोस्तों लगता है ना कि पुलिस की नौकरी बहुत आसान होती है। बिल्कुल आसान नहीं होती, बहुत टफ होती है। आप समझ लीजिए कि कल रात के 8 बजे से मेरे पतिदेव लगे हैं, 10:30 बज गए, 11 बजने आ गए, 11 बज रहे हैं, अभी तक वापसी नहीं हुई है, क्योंकि किसी महिला ने जहर खा के आत्महत्या करने का प्रयास किया है, मुंह से झाग उग निकला है और उल्टी वगैरह की है। एम्बुलेंस बुला दिया गया है, अब जाके छूटे हैं जब दूसरी पार्टी आई है, क्योंकि इनका 8 बजे छूटने का समय होता है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि 8 बजे न छूट के उसी उससे पहले 7:30 बजे सूचना आ गई कि किसी महिला ने जहर खा लिया। अब उसकी वजह से इनकी ड्यूटी फंसी रह गई। और एक दिन की नहीं, रोज की घटना है ये, तो मैं आज की एक छोटी सी घटना बता रही हूँ। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, बहुत टफ रहता है। इतना आसान नहीं है पुलिस को गाली देना, और जो आप लोग घर बैठे बैठे गाली देते रहते हो पुलिस ऐसे है वैसे है, ये बात ठीक है, मन में पुलिस खराब है, लेकिन जरूरत तो आपको पुलिस की ही पड़ती है। कुछ भी होगा, बहन बेटी भाग जाए, बहन बेटी कोई छेड़ दे, कोई चोरी कर ले, कोई कुछ कर ले, पुलिस को ही आप याद करेंगे। पुलिस वालों का भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, वो कभी अपने बच्चों को फीस किताब कॉपी लाने के लिए फुर्सत नहीं लगती है, कभी भी अपने बीवी को टाइम देने की फुर्सत नहीं लगती है, कभी भी अपने बच्चियों के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन दूसरे के बच्चे, आप सबके बच्चियों के लिए, आप सबके बहन बेटियों के लिए वो वर्क करते हैं। तो कृपया गाली न दिया करें, श्राप न दिया करें। ले लेते होंगे कोई 100 200, लेकिन मैं नहीं लेने देती, मैंने साफ सुथरों में मना कर रखा है, वो सरकार खुद ही सैलरी दे रही है, जिसका नतीजा है कि आज मेरे बच्चे सभी बहुत अच्छे से सब अपने अपने जगह सेट हो चुके हैं, हम भी अपना स्वतंत्र रहते हैं। पतिदेव मेरे बहुत मेहनत करते हैं, लगता है लोगों को कि बस पुलिस ऐसे वैसे, पुलिस ऐसे वैसे नकारी नहीं होती, पुलिस बहुत मेहनत करती है, लेकिन उनके भी हाथ बंधे रहते हैं, उनके ऊपर भी लोग रहते हैं, कई कारण रहते हैं। तो चलिए, तो मेरी व्यथा थी, कोई बात नहीं। और सुनाए, फटाफट तैयार मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अब आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं। क्या सोएंगे वो, फिर शाम को भाग जाना है, 11 बज रहा है, उनको आते आते 12:30 बज जाएंगे, फिर इसके बाद उनको शाम को 5:30 6 बजे तक निकल जाना है, ताकि 8 बजे ड्यूटी पहुंच जाए। तो वालों को ये तक नहीं पता होता ढंग से कि उनका बच्चा कब नर्सरी में गया, कब क्लास 5th किया, कब 10th किया, कब 12th किया, कब आगे क्या कर रहा है। अगर पत्नियां होशियार ना रहें, समझदार ना रहें, तो उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते। अगर पत्नियां थोड़ी होशियार रहती हैं, समझदार रहती हैं, उनके बच्चे सारी पढ़ाई कर लेते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होता, जब मुझे खुद सुरक्षा की ज़रूरत थी, मैं खुद यंग थी, ऐसे टाइम में मैं अपने बच्चियों को ले लेके दूर जाया करती थी, कहीं बनारस तो कहीं झारखंड तो कहीं जबलपुर, तो मतलब जहाँ जहाँ सेंटर पढ़ते थे बच्चों के, वहाँ वहाँ मैं लेके दौड़ा करती थी, जाया करती थी। खुद डर लगा करता था, लेकिन मेरे पतिदेव मुझे साहस दिलाते थे कि अगर डर के रहोगी तो फिर बच्चों को निकाल नहीं पाओगे। तो फिर धीरे धीरे डर खत्म हो गया, आज मैं ट्रेन से भी चलने लगी, फ्लाइट से भी चलने लगी, हर जगह आने जाने लगी, अब मुझे डर नहीं लगता। पहले मुझे खुद बहुत डर लगता था, कोई अगर घूर दे, कोई देख दे, तो ये लगता था कि बाप रे कहाँ छुप जाए, कहाँ चले जाए कि आदमी मुझे देखे ना। अब तो मुझे जो देखता है तो उसकी आंखों में खुद ही डाल के मैं पूछ रही थी, का भैया हम क्या चिन्हत है का, सक पका जाता है, तब इतना ध्यान से देखत का है, तो देखत है कर मतलब तू चिन्हत है, हमें चिन्हत हो तो बताओ भैया, कौन पदे माँ भाई हो लगत हो तो बताओ, सीधे बोल देते हैं, अब नहीं डरते। लेकिन एक टाइम था डरते थे, क्योंकि मेरी भी कम एज में शादी गौना होने की वजह से, और बच्चियां भी जल्दी जल्दी हो गई, जब मैं खुद ही बताया ना कि मैं खुद ही जब 34 35 साल की थी, 32 34 साल की, तभी मेरी बच्चियां 13 14 15 साल की होने लगी थी। छोटे में शादी गौना, छोटे में अगर बच्चे हो जाते हैं तो दिक्कतें ये सारी आती हैं। बहरहाल कोई नहीं, आप लोगों को लगता है कि पुलिस नहीं अच्छी होती है, पुलिस की लाइफ, पुलिस के घर जाके देखिए। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर भी पुलिस में थे, मेरी सासू माँ को मैं देखती थी बालकनी में बैठे बैठे शाम को इंतजार करते करते 11 12 हो जाते थे, मेरे ससुर पहुंच नहीं पाते थे, फिर सुबह भागना पड़ता था। उनको भी नहीं पता था कि कब बच्चे उनके पढ़े लिखे, कब आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे। वही सेम हालत मेरे पतिदेव की थी कि इंटर तक उन्हें कुछ नहीं, इंटर क्या, बीटेक के मैंने एडमिशन जाके कराया, झारखंड में मेरी छोटी वाली बिटिया का MCA का एडमिशन मैं जाके कराई, मेरे पतिदेव को छुट्टी नहीं मिलती थी। उनकी मम्मी खत्म हो गई, उसमें उनको अधिकारियों ने छुट्टी नहीं दिया, तो भाग गए थे, छोड़ दिए थे जॉब, छोड़ के चले गए थे, फिर बाद में अपना रजिस्ट्री वगैरह किए, फिर किसी तरह से अपनी जॉब को फिर शुरू किए। जरा सा कुछ हो जाता है तो हम पुलिस में अधिकारी साथ नहीं देते बिल्कुल, और जगह तो यूनियन बना हुआ है, लोग साथ देते। मैं प्याज काट रही हूँ इसलिए आंसू आ रहे हैं, ऐसा ना समझिए कि मैं रो रही हूँ। हर जगह डिपार्टमेंट यूनियन है, लेकिन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट यूनियन बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि अगर गलती भी नहीं होगी, अगर पब्लिक ने कुछ जरा संगली उठा दिया तो
सब्सक्राइब सर वो अधिकारी तुरंत सस्पेंड कर देगा, बर्खास्त कर देगा। अब तो योगी आदित्यनाथ जेल में डाल दे रहे हैं, पूछेंगे भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनके भी दर्द को समझें। उनको घटना बताऊं, मायावती जी आई थी, उन्होंने बॉर्डर के चलते ट्रांसफ़र कर दिया था, और समझ लिए मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था दर्द के मारे। लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी, ज्वाइनिंग तो ज्वाइनिंग। मुझे तड़पते हुए देखते हुए खुद भी रो दिए, लेकिन गए, क्योंकि ड्यूटी है, उसी समय पेट भरना है, उसी से हमारी रोटी चलनी है, उसी से बच्चे पढ़ने लिखने हैं, तो गए। इसके बाद हुआ क्या कि एक बार बहुत ज़्यादा वायरल फीवर वगैरह चल रहा था, रात भर मेरे दो बच्चे छोटे वाले दोनों रात भर एकदम बुखार से तप रहे थे। मैं एक हाथ पे उस बच्चे को, एक हाथ पे उस बच्चे को लेके रात किसी तरह से गुजारी। इनको फ़ोन की कि हमें क्या कर सकता हूँ, मैं आ भी नहीं सकता, तुम ही को खुद कुछ करना होगा। किसी तरह से दूसरे दिन बच्चों को लेके गई वहाँ कटरा, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर, तब मैं नई आई थी, यहाँ के डॉक्टरों के विषय में जानकारी ज़्यादा थी नहीं। और होता है कहीं कहीं किसी किसी घर में कोई कौन सा डॉक्टर सूट करता है कौन सा नहीं, ये भी होता है। तो लिवा के किसी तरह से गई, बच्चों को दिखाई, लेकिन उस बार संजोग ऐसा हुआ कि 22-23 दिन बाद ही आए। कैसे कैसे अकेले मैंने झेला है, बहुत कुछ झेला है। ये होता है पुलिस का परिवार होना बहुत बड़ा अपने आप में। समझ लीजिए कि एक तो ताकत तो रहती है कि भाई पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, लेकिन अंदर जाके आप देखेंगे पुलिस के परिवार में, तो पुलिस का परिवार बहुत कष्ट भी झेलता है। पुलिस भी झेलती है, ऐसी बात नहीं है। पता चला बारिश हो रही है, बारिश में ड्यूटी लगी है, धूप चिलचिलाती हुई धूप लगी, ट्रैफिक चौराहे पे पुलिस लगी है, कहीं भीड़ है जाम छुड़वाना है वहाँ पुलिस चाहिए, कहीं मेला है वहाँ पुलिस चाहिए, कहीं छेड़खानी ना हो, कहीं कोई बात ना हो। चाहते सब हैं कि पुलिस हमारे इर्द गिर्द रहे, लेकिन पुलिस इतनी नफरत क्यों? कभी वो आपके इर्द गिर्द थोड़ा चाय पानी पूछ लिया करिए, एक कप चाय पानी पूछ लेंगे तो किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, वो आपके लिए ही, आप लोगों के लिए ही लगे रहते हैं। ऐसा नहीं तनख्वाह मिलती है इसका मतलब, तनख्वाह मिलती तो क्या उनको भूख नहीं लगती? तनख्वाह मिलती तो वो भी अपने लिमिट में रहें, और भी डिपार्टमेंट को भी तो तनख्वाह मिलती, वो पब्लिक में खड़े हो पाते हैं, कहीं भी कोई ज़रूरत होती है, कहीं कोई बवाल होता है, दंगा होता है, पुलिस खड़ी रहती है। कुछ बात होती है, जब उसको गोली लग जाती है, नहीं रहता, तो सोचो उसके परिवार की क्या हालत होती है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है, अकेले बच्चों को निकालना, आगे बढ़ाना। वो तो बेटा बड़ा हो गया थोड़ा, तो थोड़ी रिलैक्स हो गई मुझे, नहीं पहले मैं खुद ही झेलती थी। बच्चियाँ कहाँ कोचिंग जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, पीछे पीछे जाना, पीछे पीछे आना, कहीं कोई गलत नज़र न डाल दे बच्चियों पे, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ माहौल बहुत अच्छा नहीं था पहले। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं दे रही, पर जब तक मेरी बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही थी माहौल अच्छा नहीं था, बहुत ख़राब माहौल था। मैंने बताया ना कि यहाँ दरवाजे पे हूटिंग होती थी। ये तो कहो, मैं थोड़ा राजनीति में आ गई, बेटा मेरा बड़ा हो गया, राइट टाइम सबको कर दिया, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। बहरहाल चलिए, ये सारी बातें हैं, तो राम राम प्रणाम, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। ये हमारी आप बीती है, कैसे हमने बिताया, कैसे किया है, तो बस आगे से आप लोग भी ध्यान करें कि थोड़ा इज्जत सम्मान दें। नहीं देने की इच्छा होगी मत दें, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन याद रखिए कि आपके घर का बेटा भी कभी पुलिस बनेगा, आपके घर का भाई भी पुलिस बनेगा, आपके घर की बेटी भी पुलिस बनेगी, आपका नमायका ससुराल और दामाद कोई भी पुलिस बनेगा, उसके साथ भी अगर आप इज्जत दिए रहेंगे ना, तो आपके भी परिवार को इज्जत मिलेगी। बस ये होता ही है, आगे देना होता है, पीछे लेना होता है। जब तक आप देना नहीं सीखेंगे, लेना भी नहीं सीखेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करें।